हेलो गाइस, मैं निर्मल आप सभी का कंप्यूटर लॉजी में स्वागत करता हूं। आज मेरा टैली प्राइम का थर्ड वीडियो है। मैं आपको लेजर क्रिएशन के बारे में बताऊंगा, हम टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे तो आप में से जो भी टैली यूज करते हो सबको लेजर क्रिएट करना आता है। लेजर मतलब क्या होता है? बही खाता। जैसे जब तक कंप्यूटराइज एंट्री नहीं होती थी, पहले हम मैनुअली जब स्टॉक या कुछ भी ट्रांजेक्शन मेंटेन करते थे तो सब कुछ मैनुअली रिकॉर्ड करते थे। मतलब जो हमारी जर्नल एंट्री होती थी सारी हम मैनुअली करते थे। आज वही जर्नल एंट्री, आज वही भी जो परचेज रिटर्न सेल सारा हम कैसे करते हैं? कंप्यूटराइज करते हैं। जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, एंट्री करने से पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि उस चीज के एंट्री हम क्या कर रहे हैं करके। हम टैली प्राइम ओपन कर रखा है मैंने। हमारी एक कंपनी है हर्षिता प्राइवेट लिमिटेड, एक गेटवे ऑफ टैली है। हमेशा ध्यान रखना, टैली में आप जिस भी ऑप्शन पे जाओगे वहां पर एक शॉर्टकट अलग से दिखाएगा। जैसे आप क्रिएट पे जा रहे हो, देखो मास्टर्स के नीचे क्रिएट पे, तो वहां पर सी अलग से हाईलाइट कर रहा है। सी मतलब क्रिएट करने के लिए सी, या एंटर की प्रेस कर लो या सी प्रेस करो। अब आपने लेजर क्रिएट करना है तो सेकंड ऑप्शन है लेजर पे आओ, देन एंटर की। एक चीज और समझा देता हूं, जब भी आप टैली कोई भी वर्जन यूज करोगे, चाहे टैली 7.2, टैली 9, ERP 9, तो कैश और पी एंड एल अकाउंट का लेजर पहले से बना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर हमें नहीं बनाना पड़ता, एक कैश अकाउंट का, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आज हम कुछ दो चार लेजर क्रिएट करके समझते हैं। सिंपली सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाते हैं। नेम के आगे हमने कैपिटल अकाउंट टाइप कर दिया, देन नीचे से अंडर, किसके अंडर लोगे? जो लेजर होता है वह किसके अंडर लोगे? मतलब कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल के अंदर आता है। सी प्रेस करोगे, सी की लिस्ट आ जाएगी। डाउन एरो से आप जो भी ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हो जो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है उसको सेलेक्ट करोगे, देन एंटर की। अगर इनमें से कोई आपको ऑप्शन फिलअप करना है, मतलब डिटेल फिलअप करनी है, तो आप इसके अंदर फिलअप कर सकते हो। अदरवाइज सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की का यूज करोगे तो ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने बना दिया सेल अकाउंट का। सेल अकाउंट हमेशा इसका जो ग्रुप होता है वह सेल के ही अंदर आता है। मैंने एस सिलेक्ट किया तो यहां से सेल अकाउंट आ गया। इसमें से जो भी आप डिटेल लेना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, अदरवाइज कंट्रोल ए, सेव हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट मैंने बना लिया परचेज का। परचेज किसके अंदर आता है? परचेज अकाउंट के अंदर, देन एंटर की, देन कंट्रोल ए। अब बैंक का भी बना लेते हैं। कोई भी बैंक हो, चाहे IDFC, ICICI, SBI, बैंक का लेजर हमेशा बैंक अकाउंट का ग्रुप होता है उसका, और चाहे करंट हो सेविंग हो। मैंने यहाँ पे SBI अकाउंट का एक सिंपल लेजर बना दिया, SBI अकाउंट डाला इसको, और देन इसका मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया बैंक अकाउंट। मैंने फोर लेजर क्रिएट कर लिया और कंट्रोल ए। मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या अदर सॉफ्टवेयर में सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस की का यूज करते हो, और टैली के अंदर हम कंट्रोल प्लस ए की का यूज करते हैं। अब स्केप की से आप स्टेप पीछे आ जाओगे। ओके, अब दोबारा से हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए स्केप की से। अब बात आती है कि जो हमने अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं उनको शो करने का, देखने का। थर्ड ऑप्शन आ रहा है, देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट, सेकंड ऑप्शन है एल्टर। एल्टर मतलब होता है चेंज या डिलीट करना, और थर्ड ऑप्शन आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। इस पे क्लिक करोगे और देन लेजर पे क्रिएट करोगे, जो भी आपने लेजर यहाँ पे बना रखे हैं वह सारे शो करेगा। जैसे आपने बैंक अकाउंट का बना रखा है, देखो बैंक अकाउंट में SBI अकाउंट शो कर रहा है, और कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है। देखो जो भी आपने, देखो अब कैपिटल्स में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का शो कर रहा है। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट पहले से बना हुआ है, देखो लेजर। अब बात आती है कि हम पर्टिकुलर जो जो हमने लेजर क्रिएट किए हैं उनको देखने की, यहाँ पे तो बहुत सारी लिस्ट शो कर रहा है। वह अपने अकॉर्डिंगली टैली मैनेज करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, टैली कैलकुलेशन का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत आसान तरीके से हमें प्रेजेंट करके भी दिखाता है। लेकिन यहीं पे एक इसका पर्टिकुलर शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड से आप F5 की प्रेस करोगे यहीं पर इस वाले स्क्रीन पे, जो हमें स्क्रीन दिखाई दे रही है लिस्ट ऑफ लेजर वाली स्क्रीन। तो आपकी जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर लेजर क्रिएट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। देखिए जैसे आपने F5 प्रेस किया, यहाँ पे लिस्ट की लेजर है कैपिटल अकाउंट। देखो मैं आगे कह चुका हूँ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अकाउंट मैंने बनाया नहीं,
लेकिन बन गया क्योंकि ये पहले से ही बना होता है। देन परचेज का हमने क्रिएट किया था, सेल का हमने क्रिएट किया था, एसबीआई अकाउंट का हमने क्रिएट किया था, देखो। ओके, इस तरीके से अगर आपने ग्रुप भी व्यू करना है तो अगेन F5 करोगे, इसके ग्रुप भी शो करेगा। सॉरी, मैंने कोई रॉन्ग की प्रेस कर दी, F5 की, ये ग्रुप शो कर रहा है सारे। अगेन F5 करोगे, लेजर भी हो जाए, साइट में ही दिखाता है। देखो ये टैली एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हमारा कॉमर्स, मतलब जो हमारा अकाउंट बेस स्ट्रांग है, तो टैली एक बारी सीख जाएंगे तो हम सीखते जाएंगे आगे। बिल्कुल राइट हैंड साइड में देखिए, बहुत सारे शॉर्टकट की दिखा रहा है, यहीं पे ही दिखा रहे F5 ग्रुप व्यू। F5 कर दो, ग्रुप व्यू हो गया, फिर अगेन F5 कर दो, लेजर व्यू हो गया। मतलब लेजर व्यू देखने के लिए भी F5 की प्रेस करोगे, ग्रुप का व्यू देखने के लिए भी F5 की ही प्रेस करोगे। ओके, टैली के अंदर ही सारी शॉर्टकट की होती है, हमें अलग से कुछ नहीं करना है। ओके गाइज, आज मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से लेजर क्रिएशन करना सिखाया। जब भी हम टैली में कोई एंट्री करते हैं, सबसे पहले उसका लेजर क्रिएट करते हैं। कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारे पास पहले से लेजर बना होता है टैली के अंदर। ओके गाइज, प्लीज आप लेजर क्रिएट करके देखना, बहुत सारे लेजर होते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका कुछ PDF लिस्ट दे दूंगा आपको, जिससे और आसानी रहेगी कि कौन सा लेजर कौन सा ग्रुप में आता है करके। तो गाइज यूज करके देखिए, बहुत यूजफुल है। थैंक यू।